दोस्तों, क्या आपको पता है 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आदित्य L1 कैसे सूरज की स्टडी करने वाला है? भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 11:50 पर लॉन्च होगा और मिशन का इंटेंशन तो उसके नाम से ही आपको समझ गया होगा। जैसे कि आपको पता होगा, सूरज का दूसरा नाम आदित्य है और L1 लॉन्गेस्ट पॉइंट है। दोस्तों, इसरो के मुताबिक L1 की दूरी धरती से लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर है और L1 को इसी पॉइंट पर रखकर सूर्य का स्टडी किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप सोचते रहेंगे कि लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या है और इस पर आदित्य को कैसे भेजा जाएगा। आसान भाषा में समझे तो लॉन्ग रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण इस तरह से बैलेंस बनाती है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर लंबे समय तक ठहर सकती है। इसीलिए दोस्तों, आदित्य L1 को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ताकि वहाँ पर रहकर वो लंबे समय तक सूरज पर नज़र रख सके और स्टडी कर सके और इसके साथ साथ वो अपने आसपास के वातावरण की जानकारी भी इकट्ठा करके देता रहेगा। सो इसरो के मुताबिक सूरज की डिफरेंट डिफरेंट परतों को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 टोटल 7 पेलोड लेकर जाएगा। सो अंतरिक्ष यान में लगे ये पेलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की मदद से फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का स्टडी करेंगे। सो इसरो के मुताबिक 7 में से 4 पेलोड सूर्य का स्टडी करेंगे और बाकी के 3 L1 पर पार्टिकल्स का अध्ययन करेंगे।